Hi, myself, I am Ratna Bhushan. Welcome to the program, The Great Bharat and the Great People. Good evening, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your per day efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Before starting the program, I would like to request you please subscribe this channel to glorify our nation. So the most important topic, this topic I have taken from Science Reporter magazine, the curious causes of the अनरिवली रिपोर्ट्स. देखिए, आने वाले भविष्य में रोबोटिक लाइफ बहुत तेज़ी से आता जा रहा है और घर में देखिए सब चीज़ रोबोटिक होता जा रहा है धीरे धीरे. रिसर्चर्स वांटेड टू प्रोग्राम द चैटबॉट्स टू निगोशिएट एंड बार्गन विद द पीपल बिकॉज दे थॉट राइटली दैट दीज स्किल्स विच आर इसेंशियल फॉर कोऑपरेशन विल एनेबल द बोट्स टू वर्क विथ ह्यूमंस. दे स्टेटेड दे स्टार्टेड विद अ सिंपल गेम इन विच टू प्लेयर्स आर प्रोग्राम टू डिवाइड द कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक द हैट्स balls and books between themselves through a step-to-step program, जिसको मैं दिखा रहा हूँ. The most important fact of today is R. लेजर तकनीक में बदलाव लाने वाले तीन वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबल. तो उसमें है, नंबर वन है मोरो स्ट्रिकलैंड बनाए लेजर पल्स. 74 वर्षीय मोरो व स्टिकलैंड ने इससे अलग अब तक के सबसे छोटे और सर्वाधिक शक्तिशाली लेजर पल्स तैयार किए. ये सब मिलकर उच्च तीव्रता वाले लेजर के लिए मानक बने. अश्विन सबसे उम्रदराज विजेता. आर्थिन अस्किन सबसे उम्रदराज नोबल विजेता बन गए हैं. इससे पहले अमेरिका के लियोनिद हर्विज ने 90 साल की उम्र में अर्थशास्त्र का नोबल जीता था. नोबल से जुड़े प्रमुख तथ्य. 1901 से अब तक 112 बार दिया गया भौतिकी का नोबल. तीन महिलाओं, मैरी क्यूरी 1903, मारिया गुएपर्ट मायर 1963 और डोना स्टिकलैंड 2018 ने यह सम्मान जीता. 1956 और 1972 में दो बार भौतिकी का नोबल जीतने वाले जान बर्दिन इकलौते वैज्ञानिक. लॉरेंस ब्रेग 25 साल की उम्र में यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा विजेता थे. उन्होंने 1915 में अपने पिता के साथ भौतिकी का नोबल जीता था. अमेरिका की चाहत, भारतीय खूब खाएं अखरोट. अमेरिका की चाहत, भारतीय खूब खाएं अखरोट. अमेरिका के अखरोट उत्पादक किसानों का संगठन कैलिफोर्निया वॉलनट कमीशन इस कोशिश में है कि भारतीय के आहार में अखरोट की हिस्सेदारी बढ़े. सरकारी सहायता प्राप्त इस ज़्यादा साझा संगठन की ऐसी कोशिश है कि चीन, तुर्की आदि देशों में भी है. यह संगठन भारत में अखरोट सेवन का चलन बढ़ाने को लेकर इसलिए उत्साहित है क्योंकि एक तो औसत भारतीय में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और दूसरे अखरोट में ऐसे पोषक तत्व होने की पुष्टि है जो कई बीमारियों से बचाव में कारगर है. तो भैया, अखरोट बहुत ज़रूरी है. अखरोट खाने से आपको समझ लीजिए कि कितनी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं. 2020 तक होगा अखरोट आधारित क्लिनिकल परीक्षण. दुनिया का सबसे खतरनाक रेल मार्ग भारत में बनेगा. भारत धीरे धीरे हर ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ और बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ. उत्तर रेलवे ने सबसे खतरनाक मार्ग भानुपल्ली जो पंजाब में है, से ले तक ट्रेन बदलने की तैयारी शुरू कर दी है. यह ट्रैक दुनिया में सबसे ऊंचा होगा जो आउटर हिमालयन, ग्रेट हिमालयन और शिवालिक हिल्स की धौलाधार, पीर पंजाल, ले, कांगड़ा, बड़ा लाचा, पिंग पार्वती जैसे पहाड़ियों से गुजरेगा. रूट की कुल लंबाई 475 किलोमीटर होगी. रूट तैयार करने का पहला स्टेज पूरा हो गया है. 50,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट होगा और रूट पर 30 स्टेशन, छोटे बड़े 124 ब्रिज, छोटे बड़े 74 टनल होंगे. रूट में दुनिया की सबसे बड़ी 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग भी शामिल है. फलों सब्जियों में मिलने वाला यौगिक करेगा बुढ़ापे से मुकाबला. वैज्ञानिकों ने बुढ़ापे के कारकों का पता लगा लिया और बुढ़ापे से मुकाबले की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है. उन्होंने पाया कि कई फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले एक नेचुरल कंपाउंड में से यो शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के बढ़ते स्तर को कम करने की मदद मिल सकती है. अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार लोगों की उम्र बढ़ने के साथ ही कोशिकाएँ, दैट इज सेल्स, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं. इस प्रक्रिया को सेलुलर सेनेसेंस कहा जाता है. युवा अवस्था में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का सफाया करने में ज़्यादा सक्षम होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही इस काम की उनकी क्षमता धीरे धीरे कम पड़ने लगती है. नतीजन ये कोशिकाएं जमा होने लगती हैं और सूजन का कारण बनती हैं.
अगले दशक का एजेंडा तय करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन। और मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 5 अक्टूबर को भारत और रशिया ने बहुत अहम फैसले किए, जिसको मैं आपको अगले अपने कवरिंग में बताऊंगा। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, रशिया के लिए। अमेरिका ने बनाई एक बार फिर 4 गोलियां फायर करने वाली रिबन गन। इस अलग प्रकार की गोलियां आवश्यक होती हैं, सिंगल सेल केसिंग पे जाए, गोलियों के 4 गोलाकार खेचों वाले एक ब्लॉक में डाला जाता है। यह खांचे एक सिधाई में 6 mm की मोटाई वाले 4 बैरल से जुड़ी होती हैं। अंतरिक्ष में पनडुब्बी को भेजने की तैयारी में चीन। खुद को सशक्त बनाने के लिए चीन इन दिनों 2 तरफा तैयारी से जुटा है। यह एक ऐसे लेजर युक्त सैटेलाइट पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष और महासागर दोनों के लिए काम करेगी। इसके जरिए चीन का उद्देश्य महासागर में होने वाली हर हरकत पर निगरानी रखना और प्रतिद्वंदी देशों के नौसैनिक बलों की पनडुब्बियों पर हमला करना। इस प्रोजेक्ट को गुएलेन नाम दिया है, जिसका मंदारिन भाषा में अर्थ होता है बड़ी लहरें देखना। क्या नाम है? गुएलेन। क्या नाम है? गुएलेन। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि चीन वो ताकतवर पड़ोसी है जिसके पास उत्तर में 3000 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। अब उसकी नज़रें भारत के आसपास समुद्री क्षेत्र को घेरने की भी है। वर्तमान में निहित पर्यावरण संरक्षण का भविष्य। यह लेख ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। वर्तमान में निहित पर्यावरण संरक्षण का भविष्य। संयुक्त राष्ट्र मुझे चैंपियन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया है। द ग्रेट भारत द ग्रेट पीपल के तरफ से आदरणीय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी को मैं रत्न भूषण सत सत नमन करता हूँ। उनकी मेहनत, उनकी लगन एक दिन और धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो यह आर्टिकल उनके द्वारा लिखा गया है। यह सम्मान प्राप्त करके मैं अभिभूत हूँ। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों की संस्कृति है स्वीकृत है, जिसने हमेशा प्रकृति के साथ सौहार्द पर बल दिया है। पर्यावरण संरक्षण में भारत की सक्रिय भूमिका को मान्यता मिलना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। मानव और प्रकृति के बीच विशेष संबंध रहे हैं। प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के तट पर स्थापित हुईं। प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने वाले समाज फूलते हैं और समृद्ध होते हैं। मानव समाज आज एक चौराहे पर खड़ा है। हर आज जो रास्ता चुनेंगे उस पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करेगा। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज ब्रू ट्राइबल्स इन त्रिपुरा 47% जंप इन डिकेड मार्क्ड बाय फ्लाइट फ्रॉम द मिजोरम 14% इन द नेक्स्ट डिकेड। बिटवीन 1991 to 2001 द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रू BRU रियांग ट्राइबल्स इन ब्रू रियांग ट्राइबल एक कहाँ से रिलेटेड है त्रिपुरा हैड इंक्रीज बाय नियरली हाफ 47% फ्रॉम अंडर 1.12 lakh टू ओवर 1.65 lakh। सेंसर फिगर्स कंपाइल्ड बाय द त्रिपुरा गवर्नमेंट। सो Defender of the sky, India is looking to acquire 5S-400. मैं आपको बता दूं ये डील हो चुकी है। एयर डिफेंस सिस्टम फॉर द एयरफोर्स एट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 39,000 crore। इंडिया ने सेंड्स रिलीफ मटेरियल टू इंडोनेशिया। द इंडियन एयरफोर्स एंड द नेवी ऑन ट्यूजडे लॉन्च एफर्ट्स टू डिलीवर रिलीफ मटेरियल टू द सुनामी हिट इंडोनेशिया। The Navy has delivered its ships INS Tir, Sujata and Shardul and deployment to Singapore on Palu in Indonesia. The IAF has deployed one C-130 and one C-17 transport aircraft to ferry medical teams and relief material. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best and work for humanity, work for women empowerment, work for the whole world, plantation of trees whenever you celebrate your birthday. Thank you so much.